आज मैं आपको बताऊंगी दीपावली पर स्वास्थ्य किन 8 जगहों पर बनाना चाहिए और उनके क्या फायदे होते हैं। स्वास्थ्य शब्द सु प्लस आस्तिक से मिलकर बना है। सु का मतलब होता है शुभ, आस्तिक का मतलब होता है होना, अर्थात जो शुभ और कल्याणकारी है। यह विघ्नहर्ता और सुखकर्ता भगवान गणेश जी वे माँ लक्ष्मी जी का रूप माना जाता है। माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए कुमकुम व सिंदूर से घर के बाहर स्वास्तिक बनाएं। इससे माँ लक्ष्मी जी खुश होते हैं। व्यापार को बढ़ाने के लिए 7 गुरुवार तक उत्तर पूर्वी कोने को गंगा जल छिड़क कर वहाँ हल्दी से स्वास्तिक बनाएं और पूजा करें और गुड़ का भोग लगवाएं। नींद आने के लिए रात को नींद न आए तो अनामिका उंगली से घर के मंदिर पर स्वास्तिक बनाएं। इससे अनिद्रा की बीमारी दूर हो जाएगी। किसी भी देवता को खुश करने के लिए स्वास्तिक बनाकर उसके ऊपर जिस देवता की मूर्ति रखेंगे वही देवता प्रसन्न हो जाएंगे। सुख शांति के लिए घर के ईशान यानी उत्तर पूर्व के उत्तर दिशा की दीवार पर हल्दी का स्वास्तिक बनाएं। इससे घर में सुख और शांति बनी रहती है। मनोकामना पूरी के लिए मंदिर में यानी घर के मंदिर में नहीं बल्कि बाहर मंदिर में उल्टा स्वास्तिक बनाएं। वह जब मनोकामना पूरी हो जाए तो फिर मंदिर में जाकर सीधा स्वास्तिक बनाकर आएं। पितरों की कृपा पाने के लिए गोबर से घर में स्वास्तिक बनाने से सुख व समृद्धि आती है और पितरों की कृपा प्राप्त होती है। यह स्वास्तिक घर पर बनाना है। धन प्राप्ति के लिए दहलीज के दोनों तरफ स्वास्तिक बनाकर पूजा करें। स्वास्तिक के ऊपर चावल की एक ढेरी बनाकर वह एक एक सुपारी पर मोली अथवा कलावा बांधकर उसको ढेरी के ऊपर रखें। मेरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।